नमस्कार दोस्तों, शिक्षा कैरियर जॉब्स के एडमिशन अलर्ट वीडियो में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम 13 यूनिवर्सिटीज़ पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन को कवरअप करने वाले हैं। यहां पर केवल मास्टर डिग्री अगर आपके पास है तब भी आप आवेदन कर सकते हैं, बिना नेट गेट वाले भी यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। यहां पर मैक्सिमम जो यूनिवर्सिटीज़ है वो असिस्टेंट से, यानी कि जिन्होंने नॉन नेट या जिनका जेआरएफ क्वालिफाइड नहीं है उनको भी यहाँ पर असिस्टेंटशिप प्रोवाइड की जा रही है। लगभग 25,000 से 50,000 रुपये पर मंथ जो है यहाँ पर पीएचडी रिसर्च करने के लिए जो है असिस्टेंटशिप या स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जा रही है। तो इस वीडियो में ब्रीफली जो है हम कवरअप करने वाले हैं, ठीक है। तो चैनल पर पहली बार आए या चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड साथ ही साथ घंटी वाला बटन जरूर दबा दे। तो चलिए, हमारी पहली जो यूनिवर्सिटीज़ है पंडित दीनदयाल एनर्जी यूनिवर्सिटी, जिसको पहले पंडित दीनदयाल पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी भी बोला जाता है, नैक ए ग्रेड यूनिवर्सिटी। यहाँ पर पीएचडी एडमिशन के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ है। तो मैं जो है यहाँ पर सबसे पहले दिखा देता हूँ, फाइनेंशियल असिस्टेंट फॉर फुल टाइम कैंडिडेट्स जो यहाँ पर पीएचडी करेंगे उनको फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड की जा रही है। पहले दो साल के लिए 25,000 रुपये प्रति माह, ठीक है, और जो थर्ड ईयर है उसमें यहाँ पर 30,000 रुपये प्रति माह जो है यहाँ पर जो फाइनेंशियल असिस्टेंटशिप है वो प्रोवाइड की जा रही है। 31 मई 2021 जो है इसकी लास्ट डेट है। नैक ए ग्रेड जो है ये यूनिवर्सिटी है, तो इसका हम जो इन्फॉर्मेशन ब्रोचर है वो हमने ओपन कर रखा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं, यहाँ पे देखिए, अगर आप इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में रिसर्च करना चाहते हैं तो एमटेक या एमई आपकी होनी चाहिए। अगर आप जो है इंटरडिसिप्लिनरी पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, सोलर इंजन, न्यूक्लियर इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल स्टडीज़ में करना चाहते हो, एमई, एमटेक, एमएससी, एमएससी टेक्नोलॉजी, साइंस में अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं तो एमएससी आपकी होनी चाहिए। मैनेजमेंट में तो एमबीए, एमटेक, एमई और ये सारी डिग्री, इनमें से कोई आपके पास होनी चाहिए। फॉर रिसर्च इन एरिया ऑफ लिबरल स्टडीज़ तो 55% अंकों के साथ मास्टर डिग्री, साथ ही साथ 5% की छूट यहाँ पर एससी एसटी दिव्यांगजन को यहाँ पर दी जाएगी और ओबीसी जो नॉन क्रिमी लेयर है उनको। रिसर्च एरिया आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं ड्रैग कर रहा हूँ, आप यहाँ पर जो है वन बाय वन जो है यहाँ पर वीडियो को पॉज करके जो है यहाँ पर रिसर्च एरिया भी जो है अपना देख सकते हैं, या इसका जो मैं लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ पर जाकर जो है आप यहाँ पर अधिक जानकारी ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर भी जो है वेबसाइट का लिंक मैं यहाँ पर डाल दूंगा, ठीक है। तो इसकी जो अंतिम तिथि है वो 31 मई 2021 है। ऑनलाइन आवेदन करना है, सिलेक्शन प्रोसेस रिटन एग्जाम और यहाँ पर इंटरव्यू के माध्यम से जो है आपका यहाँ पर एडमिशन होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारी यूनिवर्सिटी है श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी, जो कि स्टेट यूनिवर्सिटी है जे एंड के जम्मू एंड कश्मीर की, ठीक है। तो जो है काफ़ी अच्छा रैंक है इसका, यहाँ पे भी जो है जो फेलो सब्जेक्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं, फिलोसफी, इकोनॉमिक, मैथमेटिक्स, एनर्जी मैनेजमेंट, बिजनेस टेक्नोलॉजी, ठीक है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। यहाँ पे 10 जुलाई 2021 जो है वो 10 जुलाई 2021 लास्ट डेट है, यहाँ पर भी जो है आपको असिस्टेंसी प्रोवाइड की जा रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जिन कैंडिडेट्स का यूजीसी नेट और गेट क्वालिफाइड कैंडिडेट है पीएचडी में एडमिशन लेंगे उनको 25,000 रुपये पर मंथ दो साल के लिए, 28,000 पर मंथ अगले एक साल के लिए यहाँ पर फेलोशिप, प्लस 12,000 रुपये कंटीजेंसी अमाउंट एंड 25,000 रुपये जो थर्ड ईयर है उसमें यहाँ पर 25,000 कंटीजेंसी अमाउंट दिया जाएगा। तो ये जो था श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी, हमारी दूसरी यूनिवर्सिटी है। तीसरी यूनिवर्सिटी हमारी बांकुरा यूनिवर्सिटी, जो कि वेस्ट बंगाल से है। यहाँ पर जो है मैं आपको दिखा देता हूँ इसकी जो यहाँ पर सबसे पहले जो है मैं यहाँ पे आपको लास्ट डेट दिखा देता हूँ, 12 जून 2021 इसकी लास्ट डेट है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हम देख लेते हैं कि किस किस सब्जेक्ट में जो है यहाँ पर दिया हुआ है पीएचडी एडमिशन के लिए। तो यहाँ पर बंगाली है, बोटनी है, केमिस्ट्री, एजुकेशन, इंग्लिश, हिस्ट्री, लॉ, मैथमेटिक्स, फिलोसफी, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, संस्कृत, संथाली, सोशल वर्क, ठीक है। तो यहाँ पे सीट्स भी आप देख सकते हैं, ठीक है। जिन कैंडिडेट्स की केवल मास्टर डिग्री है वो एंट्रेंस एग्जाम के माध्यम से यहाँ पर एडमिशन पा सकते हैं। जिन कैंडिडेट का यूजीसी नेट, सीएसआईआर, जो नेट है, जेआरएफ है, सेट है, गेट है, जेस्ट आपने क्वालिफाई कर रखा है या एमफिल आपके पास है उनको यहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम से छूट दी जाएगी, ठीक है। एनरोलमेंट डेट यहाँ पर पूरी फीस डिटेल्स दी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अधिक जानकारी के लिए जो है आप अच्छा ये एप्लीकेशन फॉर्म है, आप जो है यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं जिसका लिंक मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ पर जाकर जो है आप जानकारी ले सकते हैं। हमारी फोर्थ जो यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट है भारतीय पेट्रोलियम एंड ऊर्जा संस्थान है, ठीक है। इसमें पीएचडी एडमिशन के लिए जो है नोटिफिकेशन जारी हुआ है। यहाँ पर रिसर्च एरिया जो है हम यहाँ पर देख लेते हैं कि किस रिसर्च एरिया में जो है यहाँ पीएचडी आप कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर जो पीएचडी है बायोलॉजी, केमिकल इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, अर्थ साइंस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में जो है आप यहाँ पर जो है पीएचडी जो है आप कर सकते हैं। मिनिमम एलिजिबिलिटी एमटेक या एमएससी, एमई या एम जो है एमएस आपकी होनी चाहिए। तो क्राइटेरिया यहाँ पे आप देख सकते हैं 60% अंकों के साथ, 55% एससी एसटी, ठीक है। तो यहाँ पे जो है असिस्टेंसी प्रोवाइड की जा रही है 31,000 रुपये दो साल के लिए एंड 35,000 रुपये जो है अगले
फॉर नेक्स्ट 3 ईयर्स, 5 सालों के लिए फेलोशिप यहाँ पर प्रोवाइड की जा रही है। यहाँ पे आपके पास नेट या गेट स्कोर आपके पास होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आप PhD कर सकते हैं, ये भी जो है गवर्नमेंट है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो है वो राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, जिसको NICER जो है आप बोल सकते हैं, परमाणु ऊर्जा विभाग भारत सरकार, ठीक है। तो यहाँ पे जो है सो यहाँ पे मैं जो है सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं स्कूल ऑफ बायोलॉजिकल साइंस, केमिकल साइंस, कंप्यूटर साइंस, अर्थ एंड प्लेनेटरी साइंस, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस, मैथमेटिक्स साइंस एंड फिजिकल साइंस में जो है यहाँ पर ये PhD एडमिशन के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड एजुकेशन एंड रिसर्च भुवनेश्वर, NICER भुवनेश्वर से जो है ये जारी किया गया है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप यहाँ पर देख सकते हैं, बायोलॉजिकल साइंस के लिए 60%, केमिकल साइंस, कंप्यूटर साइंस, अर्थ एंड प्लेनेटरी साइंस, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस के लिए 55% जो है अंकों के साथ मास्टर डिग्री आपकी होनी चाहिए, ठीक है, बाकी के लिए 60% है, ठीक है। एंड यहाँ पे जो है स्कूल ऑफ बायोलॉजिकल साइंस के लिए आपका जो CSIR UGC नेट है, गेट, JEST, GPAT वो क्वालिफाई होना चाहिए स्कूल ऑफ केमिकल साइंस के लिए। एंड ह्यूमैनिटीज़ के लिए हम देख सकते हैं UGC नेट जो है आपका, या ICSSR फेलोशिप और एनी अदर नेशनल लेवल एग्जामिनेशन वैलिड आपकी जो है क्वालिफाई होनी चाहिए, ठीक है। जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट्स है, ठीक है, वो आपकी 31, मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, 31st जो मई है 2021 तक जो है यहाँ पर एक्सपेंड की गई थी, तो 31 मार्च 2021 तक आप आवेदन यहाँ पर कर सकते हैं। दो प्रकार की यहाँ पर PhD है, एक तो MSc इंटीग्रेटेड PhD है और एक केवल PhD है। तो जो है आप यहाँ पर जो है अगर आवेदन करना चाहते हैं तो आप फेलोशिप यहाँ पर 31,000 से लेकर 35,000 रुपये पर मंथ जो है प्रोवाइड की जा रही है। 5 साल तक फेलोशिप दी जाएगी, शुरू के 2 साल 31,000 और लास्ट जो 3 साल है मैक्सिमम 5 साल 35,000 रुपये पर मंथ यहाँ पर फेलोशिप प्रोवाइड की जा रही है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा जो है जो यूनिवर्सिटी है सिटी यूनिवर्सिटी लुधियाना पंजाब, तो यहाँ पे जो है हम यहाँ पर देख लेते हैं सिटी यूनिवर्सिटी लुधियाना, यहाँ पे जो है सब्जेक्ट यहाँ पे देख एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप सब्जेक्ट देखिए स्क्रीन पर, यहाँ पे कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन, साइकोलॉजी, हिस्ट्री, इंग्लिश, लॉ, फिजिकल एजुकेशन, फार्मेसी, बायोटेक्नोलॉजी एंड जूलॉजी में जो है यहाँ पर जो है ये है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है एंट्रेंस एग्जाम एंड उसके बाद इंटरव्यू के माध्यम से जो है यहाँ पर एडमिशन दिया जा रहा है। सिलेक्शन का प्रोसेस जो है एलिजिबिलिटी जो है मास्टर डिग्री 55% अंकों के साथ, ठीक है, एंड 5% की छूट यहाँ पर SC ST OBC और दिव्यांग जनों को मिलेगी, ठीक है। तो ये देख सकते हैं एग्जेम्पशन फ्रॉम एंट्रेंस एग्जाम किस किस को छूट दी जाएगी, जिनका UGC नेट, JRF, CSIR नेट, JRF, ICAR, JRF, SRF, SLAT, पंजाब स्टेट ओनली, गेट, GPAT, ICAR एंड टीचर फेलोशिप जो होल्डिंग कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम से छूट यहाँ पर दी जाएगी। अंतिम तिथि जो है यहाँ पर 2 जून 2021 से पहले आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं ये CTU PhD एंट्रेंस एग्जाम के लिए, ठीक है। तो एंट्रेंस एग्जाम से छूट जिसको मिलेगी मैंने बता दिया। नाउ जो है हम यहाँ पर देख लेते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च IISER पुणे, जो PhD एडमिशन के लिए नोटिफिकेशन यहाँ पर जारी किया गया है। यहाँ पर सब्जेक्ट हम देख लेते हैं, बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, अर्थ एंड क्लाइमेट साइंस है, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स है। तो यहाँ पे जो है आप आवेदन कर सकते हैं। ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस के लिए अभी अगस्त 2021 के लिए जो है अभी एडमिशन ओपन नहीं किए गए, ठीक है। तो ये जो है हम जानकारी लेते हैं। अधिक जानकारी के लिए जो है इस जो भी सब्जेक्ट की आप जानकारी लेना चाहते हैं उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर अधिक जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो है एप्लीकेशन का प्रोसेस ऑनलाइन आवेदन करना है, ठीक है। एंड यहाँ पे जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 60% अंकों के साथ जो आपकी जो है यहाँ पर जो भी आपने MA MSc MPhil या MS आपने कर रखा है, ठीक है, तो वो 60% अंकों के साथ होना चाहिए। 55% अंकों SC ST और जो फिजिकली जो दिव्यांग जन है उनके लिए हैं। उसके साथ साथ आपका या तो नेट या CSIR JRF UGC JRF का क्वालिफाइड होना चाहिए विद वैलिड, ठीक है, CSIR UGC नेट LS NBHM गेट वैलिड स्कोर, ठीक है। तो आपके ये आपका होना चाहिए मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है इन्होंने दिया हुआ है, ठीक है। साइंस एंड इनोवेटिव रिसर्च जो है ये इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस है, यहाँ पे जैसे PhD साइंस आप करना चाहते हैं साइंस में PhD, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपका इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी मेडिसिन और मास्टर डिग्री इन साइंस, ठीक है, एंड वैलिड जो है आपका JRF SRF आपके पास होनी चाहिए, वो चाहे वो CSIR हो, UGC हो, DBT हो, DST हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आप फुल टाइम एंड पार्ट टाइम दोनों तरह की PhD आप कर सकते हैं। फीस काफ़ी कम है यहाँ पर, रेगुलर के लिए पर सेमेस्टर 8,000 रुपये है एंड थीसिस सबमिशन के लिए 5,000 रुपये है, ये पर सेमेस्टर है, 16,000 रुपये पर ईयर फीस है यहाँ पर, ठीक है, ये आपकी सेमेस्टर फीस। एंड यहाँ पे जो है इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाकर आप जानकारी अधिक ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है मैं ऑफिशियल वेबसाइट पर चल, सो यहाँ पे जो है हम देख लेते हैं
यहाँ पे जो 31 मई 2021 लास्ट डेट है, और PhD इंजीनियरिंग, PhD साइंस एंड यहाँ पर इंटीग्रेटेड जो PhD प्रोग्राम है इंजीनियरिंग में यहाँ पर अवेलेबल है। आप जो है अधिक जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं, जानकारी यहाँ पर ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारी यूनिवर्सिटी है वो है लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, जो कि जलंधर पंजाब से है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट फॉर LPU नेक्स्ट PhD अगस्त 2021 के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे लास्ट डेट जो है 7 जुलाई 2021 से पहले पहले आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है अगस्त के लिए दो जुलाई में है लास्ट डेट 7 जुलाई। एंड यहाँ पे जो है हम यहाँ पे फाइनेंशियल असिस्टेंट भी प्रोवाइड की जा रही है LPU के द्वारा, यानी कि यहाँ पे जो है आपको PhD करने के लिए जो है फाइनेंशियल असिस्टेंट भी प्रोवाइड की जाएगी। वो हम देख लेते हैं कि कितनी यहाँ पर फाइनेंशियल असिस्टेंट आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं डिटेल्ड ऑफ फेलोशिप 15,600 रुपये पर मंथ यहाँ पे आपको जो है फेलोशिप प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं कि किस किस सब्जेक्ट में जो है यहाँ पर आपको अगर आप जानकारी लेना चाहते हैं LPU नेक्स्ट PhD के लिए, तो जो है यहाँ पर आपको जो है जानकारी मिल जाएगी। इसका ऑफिशियल जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आप अधिक जानकारी ले सकते हैं। लगभग सभी बहुत सारे जो प्रोग्राम हैं मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, सब्जेक्ट हैं उनमें आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है तो फीस जो है काफ़ी मतलब जो है आप देख सकते हैं काफ़ी फीस होती है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की। ठीक है, तो यहाँ पर आप जानकारी ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारी जो यूनिवर्सिटी है वो है सेव नादर यूनिवर्सिटी, जो कि दिल्ली NCR की जो है ये यूनिवर्सिटी है। यहाँ पर जो है PhD एडमिशन के लिए जो है नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग में देख लेते हैं, स्कूल ऑफ नेचुरल साइंस में, स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज जैसे डिज़ाइन, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, फिल्म एंड टेलीविजन, फाइन आर्ट, हिस्ट्री, इंटरनेशनल रिलेशन एंड गवर्नेंस स्टडीज एंड सोशियोलॉजी एंड वाटर साइंस, स्कूल ऑफ मैनेजमेंट। तो यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं, अब जिस भी सब्जेक्ट का जो है आप प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करना चाहते हैं आप प्रोस्पेक्टस डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे शिव नादर यूनिवर्सिटी का प्रोस्पेक्टस मैंने यहाँ पर ह्यूमैनिटीज़ डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश का यहाँ पर डाउनलोड किया है, तो यहाँ पर जो है जानकारी आपको मिल जाएगी। सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे जो है आपको फेलोशिप प्रोवाइड की जा रही है, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। जो फेलोशिप है यहाँ पर शिव नादर यूनिवर्सिटी, जो कि एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, लेकिन यहाँ पर जो है 50,000 रुपये एंड 55,000 रुपये जो है यहाँ पर मंथली स्टेपेंड जो है वो प्रोवाइड किए जा रहा है फॉर फुल टाइम, एंड साथ ही साथ फुल ट्यूशन फी जो है यहाँ पर छूट प्रोवाइड की जाएगी, छूट दी जाएगी जो यहाँ पर जो है फुल टाइम जो है PhD जो है यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो सब्जेक्ट मैंने आपको दिखा दिया, ऑनलाइन आपको यहाँ पर आवेदन करना है। एंड यहाँ पे जो है काफ़ी अच्छी जो है 50,000 से लेकर 55,000 रुपये प्रतिमाह जो है यहाँ पर जो स्टिपेंड है वो दिया जा रहा है PhD स्टूडेंट के लिए। तो अधिक जानकारी के लिए आप जो है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं या यूनिवर्सिटी में फ़ोन करके पूछ सकते हैं, अधिक जानकारी ले सकते हैं। हमारी जो नेक्स्ट यूनिवर्सिटी है सरदार वल्लभ भाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि सूरत गुजरात में है। यहाँ पे जो है सबसे पहले जो है हम अंतिम तिथि देख लेते हैं, लास्ट डेट जो है 18 जून 2021 है। यहाँ पे जो है हम सब्जेक्ट देख लेते हैं, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैनेजमेंट एंड इंग्लिश। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारे सब्जेक्ट रहेंगे। अधिक जानकारी के लिए जो है आप यहाँ पर जो है जो ऑफिशियल वेबसाइट है सरदार वल्लभ भाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की ऑफिशियल वेबसाइट, जिसका लिंक मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहाँ पर जाकर आप जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो हमारी नेक्स्ट यूनिवर्सिटी है वो नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पूर्वोत्तर क्षेत्रीय विज्ञान एंड प्रौद्योगिकी संस्थान से है। ठीक है, यहाँ पर PhD एडमिशन के लिए जो है यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ठीक है, इन्फॉर्मेशन ब्रोचर यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे कि मैं ऑलरेडी जो है यहाँ पर यहाँ पे जो है जैसे ऑनलाइन आवेदन आपको करना है, यहाँ पर भी जाकर आप वो इन्फॉर्मेशन ब्रोचर जो है डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो है देख ले, यहाँ पर डिपार्टमेंट्स जो है लेफ्ट साइड में आपको दिख रहे हैं, इन सभी डिपार्टमेंट्स में यहाँ पर PhD अवेलेबल है। आप यहाँ पर अगर आवेदन करना चाहते हैं तो यहाँ पर जो है आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर जो है आप यहाँ पर अधिक जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, ये ऑनलाइन आवेदन करने का लिंक है, यहाँ पर जो है न्यू रजिस्ट्रेशन करके आप आवेदन यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो इंस्टीट्यूट है बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि प्राइवेट जो है काफ़ी रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट है, जिसको बिट्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आप PhD एडमिशन के लिए जैसा आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर जब इसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है यहाँ पर ये ओपन हो जाएगा, क्लिक टू अप्लाई। लास्ट डेट जो है यहाँ पर 10 जून 2021 है। एंड यहाँ पर जो फेलोशिप है 25,000 से लेकर 28,000 रुपये पर मंथ जो है यहाँ पर रिसर्च IRF इंस्टीट्यूट रिसर्च फेलोशिप जो है। कोई सो यहाँ पर फेलोशिप प्रोवाइड की जा रही है 25,000 से 28,000 पर मंथ। एंड यहाँ पे जो है हम देख लेते हैं यहाँ पे जो है कौन कौन से डिपार्टमेंट यहाँ पर रहने वाले हैं। तो यहाँ पे जो है डिपार्टमेंट आर्किटेक्चर,
इसके साथ साथ जो है बायो इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री, सिविल, एनवायरमेंटल एंड कंप्यूटर साइंस, उसके साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, मैनेजमेंट, मैथमेटिक्स, मैकेनिकल, फार्मास्यूटिकल, फिजिक्स, प्रोडक्शन, स्पेस इंजीनियरिंग, तो ये सारे डिपार्टमेंट जो है यहाँ पर रहने वाले हैं। ये सारे डिपार्टमेंट आप यहाँ पर देख सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस ठीक है, SC ST जनरल ऑनलाइन एंट्रेंस टेस्ट का जो वेटेज है यहाँ पर दिया हुआ है टोटल, एंड ग्रुप बी ठीक है, शेड्यूल फॉर ऑनलाइन एंट्रेंस टेस्ट जो कि 17 जून 2021 में यहाँ पर रहेगा, एंड यहाँ पे जो है आपको ये जो है आप जानकारी यहाँ पर जो है प्राप्त कर सकते हैं। डेट ऑफ इंटरव्यू भी दिया हुआ है ठीक है। तो ये था आपका बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो कि रांची, मेसरा रांची झारखंड से था। एंड नेक्स्ट हमारा जो है, मैं एक और जो है आपको दिखा देता हूँ, जो हमारी जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी है जो कि दिल्ली में है, न्यू दिल्ली, नैक ए ग्रेड यूनिवर्सिटी है। काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स हैं इसमें भी जो है, अभी नोटिफिकेशन जारी किया गया था ठीक है। तो यहाँ पे जो है UGC नैट गेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को 25,000 से लेकर आप यहाँ पे 28,000 रुपये पर मंथ जो है यहाँ पर फेलोशिप प्रोवाइड की जा रही है, प्लस कंटीजेंसी अमाउंट 12,000 से लेकर 25,000 यहाँ पे दिया जा रहा है ठीक है। इसकी जो लास्ट डेट है वो आई थिंक जो है 10 जुलाई 2021 है, इसमें भी आप आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए, ये सारी जो है इन्फॉर्मेशन थी रिगार्डिंग हमारे PhD नोटिफिकेशन के लिए। वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए, थैंक यू।